हाय माय सेल्फ डॉक्टर विकास सिंह एंड आई एम आयुर्वेदिक डॉक्टर और आज हम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन किस एज वाले लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं, डिप्रेशन किन कारणों से होता है, डिप्रेशन के टाइप्स क्या हैं और डिप्रेशन को क्योर कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट, डिप्रेशन क्या है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के अनुसार डिप्रेशन एक सामान्य किंतु गंभीर मनोविकार है जो आपके अंदर नकारात्मक सोच के कारण उत्पन्न होता है। सेकंड, डिप्रेशन का इफेक्ट किस एज के लोगों में ज़्यादा देखा गया है। नवजात शिशु से लेकर बुजुर्गों तक में डिप्रेशन का इफेक्ट देखा गया है और दिन प्रतिदिन इसकी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वैसे तो 40 वर्ष का एज डिप्रेशन का शुरुआती एज माना गया है और आजकल डिप्रेशन हर उम्र के लोगों को हो रहा है। WHO के अनुसार हर 6 महिला में से एक और हर 8 पुरुषों में से एक डिप्रेशन के शिकार है। पूरे विश्व में 8 लाख लोग डिप्रेशन के कारण हर वर्ष आत्महत्या करते हैं, जिसमें से 1,35,000 लोग 17% भारतवासी हैं। थर्ड, सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। फर्स्ट, मनोदशा। डिप्रेशन वाले पेशेंट का मन हमेशा चिंता, उदासीनता और असंतोष से भरा रहता है। ऐसे पेशेंट एकांत में रहना पसंद करते हैं और छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड, नींद। वयस्क आदमी को 7 से 8 घंटा सोना चाहिए, पर डिप्रेशन वाले पेशेंट में ऐसा नहीं होता है। डिप्रेशन वाले पेशेंट रात को लेट सोते हैं और सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं। थर्ड, नशा। कुछ लोग नशा करने लगते हैं। वो अपने लाइफ में हुए इंसिडेंट को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और उससे बचने के लिए नशा का सहारा लेते हैं। फोर्थ, डिप्रेशन किन कारणों से होता है। डिप्रेशन जैविक, अनुवांशिक, जैव रासायनिक असंतुलन के कारण भी हो सकता है। डिप्रेशन के भौतिक कारण भी अनेक हैं, जैसे कुपोषण, हार्मोन्स का असंतुलन होना और मौसम का तनाव। इसके अलावा भी समाज को लेकर कुछ बातें हैं जो डिप्रेशन को जन्म देती हैं, जैसे मैं इस काम को कर पाया, मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, या ये कैसे होगा, समाज में लोग क्या कहेंगे। इस बात को ज़रूरत से ज़्यादा सोचना डिप्रेशन को आपके अंदर जन्म दे सकता है। फिफ्थ, डिप्रेशन कितने प्रकार का होता है। डिप्रेशन 9 प्रकार का होता है। मेजर, बाइपोलर, साइक्लोथीमिक, डिसथीमिक, पोस्टमार्टम, एनाक्लिटिक, एटिपिकल, सीजनल, सिकोटिक। सिक्स्थ, डिप्रेशन को क्योर कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, डिप्रेशन को क्योर करने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, जो भी इंसिडेंट आपके लाइफ में हुआ है उसे भूल जाना या फिर इग्नोर करना चाहिए। दूसरा, उस सभी बातों को बार बार याद नहीं करना चाहिए। तीसरा, आपको लाइफ में आगे क्या करना है उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं कि आप अपने डाइट में क्या ऐड कर सकते हैं। आपको हरे पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। डेली सुबह मॉर्निंग वॉक में जाना चाहिए, शाम को बाहर टहलने के लिए निकलना चाहिए, रोज सुबह 1 गिलास जूस पीना चाहिए और साथ में दूध के साथ बादाम लेना चाहिए। और अपने डेली लाइफ स्टाइल में आप ध्यान, प्राणायाम और योग भी ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये योग आसन है जो आप अपने डेली लाइफ स्टाइल में ऐड कर सकते हैं। पहला, धनुरा आसन। दूसरा, भुजंग आसन। तीसरा, त्रिकोण आसन। चौथा, नौका आसन। हेल्थ रिलेटेड फैक्ट में हम बेस्ट एंटी डिप्रेशन आयुर्वेदिक ड्रग ब्राह्मी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट, ये बेस्ट एंटी ऑक्सीडेंट है। सेकेंड, ये स्वेलिंग को कम करने में हेल्प करता है। थर्ड, ये ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करता है। फोर्थ, डेली मॉर्निंग खाली पेट में इसके 4 पत्ता लेने से डिप्रेशन वाले पेशेंट में बहुत फ़ायदा मिलता है। थैंक यू।